हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल AVS ट्यूटोरियल्स। AVS ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज हम लोग आप डिस्कस करना चाहेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली होता क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या मेन कंपोनेंट्स हैं, और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है, क्यों डेवलप किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। बड़ा इंफॉर्मेटिव है, आप लोग बने रहें वीडियो के लास्ट तक। देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जानने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ द स्टडी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट पीपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज टू कलेक्ट, फिल्टर, प्रोसेस, क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा। एक्चुअली इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भाई? हायर अथॉरिटी को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं वो यूजफुल इंफॉर्मेशन को, जिससे कि हायर अथॉरिटी कोई भी डिसीजन ले सके। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंट्रोल किया जाए, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसको आगे प्रोसीड किया जाए कि वो सारा कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल चलने के लिए इंफॉर्मेशन सबसे की रोल प्ले करता है। इंफॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। तो वो इंफॉर्मेशन के लिए पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जाता है, जिस सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटी को रिसीव होती है और हायर अथॉरिटी उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेता है। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये होते क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं भैया? इंफॉर्मेशन सिस्टम की मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका है टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। यूजर को रियल इंफॉर्मेशन, जो सही इंफॉर्मेशन है, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, वो यूजर तक पहुँचाना। गैदर द डेटा, डेटा को गैदर करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। तो जो सिस्टम, यूजर सिस्टम की बात कर रहा है कि जिसके लिए सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम के यूजर को कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को। तो ये उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देख लेते हैं मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है बेसिकली वो डिपेंड होता है कंप्यूटर पे। विदाउट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो पहला कंपोनेंट्स है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस, ह्यूमन रिसोर्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर। तो तीन मेजर हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड स्टोरेज के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो आइए देखते हैं ये होते क्या क्या हैं। तो पहला जो है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। हमें पता है कि जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जो हमें दिखते हैं, वो हार्डवेयर का पार्ट्स होते हैं। व्हाट हार्डवेयर टू यूज, इट डिपेंड अपॉन द टाइप एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस टाइप के हार्डवेयर का यूज़ किया जाता है वो डिपेंड करता है अपनी रिक्वायरमेंट की, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर डिसाइड किए जाते हैं कि कितनी रैम चाहिए, कितना डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क चाहिए, कितनी ज़्यादा वर्किंग है उस सिस्टम की, तो कैसी प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए। तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज और टाइप्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर एंड मीडिया डिवाइसेस। तो ये तो मेजर डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, मीडिया डिवाइसेस। तो ये तो मेजर कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं, जिनके यूज के बिना कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। तो ये सारी इन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है कंप्यूटर हार्डवेयर की, तो इनको हार्डवेयर का पार्ट कंसीडर किया जाता है। इट आल्सो इंक्लूड कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब वो डिवाइसेस जो अलग से कंप्यूटर में अटैच की जाती हैं, जैसे फैक्स मशीन अटैच कर, या प्रिंटर अटैच कर दिया गया, या अदर स्कैनर अटैच किया गया। तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं जो अलग से अटैच होती हैं, उन डिवाइसेस को भी हार्डवेयर का पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमें पता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। एक्चुअली ये लॉजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो लॉजिकल पार्ट्स है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वर्किंग वही करता है। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डिपेंड ऑन द हार्डवेयर एंड हार्डवेयर डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर।
ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर वर्क नहीं करेगा, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ये होते क्या हैं, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको प्रोग्रामर डिजाइन करता है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उनको हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो कंप्यूटर का लॉजिकल पार्ट होता है। द प्रोग्राम्स एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। देखिए वो कह रहा है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है सॉफ्टवेयर। इट यूज फॉर एनालाइज एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। तो सॉफ्टवेयर का मेन रोल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम डेटा को प्रोसेस करेंगे, डेटा को कंट्रोल करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर का मेन मेजर रोल है। जैसे हमारे शरीर में हार्ट का मेजर रोल है, शरीर है हमारा, हाथ पैर, ये सारे हमारे जो है फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, ये हमें दिख रहे हैं, हाथ से ये होता है, पैर से होता है, लेकिन मेन कौन है, मेन है हार्ट। अगर ये बंद हो जाए तो सिस्टम बंद। तो जो मेन है वो हार्ट है या ब्रेन है। ब्रेन क्या है, कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को। तो कंप्यूटर के अंदर क्या कौन सा ब्रेन है, उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर के ब्रेन को CPU, प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन है। तो कंप्यूटर के अंदर ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन CPU को बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट को बोलते हैं, ठीक, जो ओवरऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। वैसे शरीर के लिए ब्रेन है, हार्ट जो कि मेन होता है, वही सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, वो हार्ट का काम करता है। तो दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। तो ऑल द जो कंपोनेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर तीन टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंट्रोल करता है ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल ओवरऑल द सिस्टम। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेटेबल बनाते हैं, जो कि प्रोसेसेबल बनाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट्स है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं। ये बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के रन नहीं हो सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर हमारे सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वो एक तरीके से पैकेज हैं जो कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कस्टमाइज पर्पज़ के लिए यूज किए जा सकते हैं। जैसे MS Word, MS PowerPoint, अबाउट पेज मेकर, फोटोशॉप, तो इस टाइप के टैली, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे एंटीवायरस, स्पीड बूस्टर। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है भाई, डेटा आर द रॉ फैक्ट एंड फिगर्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड डेट आर एंड लेटर प्रोसीड टू जनरेट इन्फॉर्मेशन। डेटा आर मैनेज्ड यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज टू एफिशिएंट एसेस टू रिक्वायर्ड डेटा एंड टू मैनेज नॉलेज ऑफ बेस। सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड सर्विंग डेटा टू द यूजर, मैनेजिंग फिजिकल स्टोरेज ऑफ मीडिया एंड वर्चुअल रिसोर्सेज। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक्चुअली जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो डेटाबेस है। तो बहुत सारे डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे यहाँ जो अवेलेबल हैं, जिनको हम लोग डेटाबेस को स्टोर, मैनिपुलेट, अपडेट और प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ओरेकल हो गया, ओरेकल एक डेटाबेस है, SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर है वो डेटाबेस, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहीं पे ही डेटा को फिल्टर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट नेटवर्क। नेटवर्क रिसोर्सेज रिफर टू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क लाइक इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ बोथ द फिजिकल डिवाइस सच एज नेटवर्क कार्ड्स, राउटर, हब, केबल्स एंड सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर, डेटा सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क तो डिपेंड करता है दोनों चीज़ों में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे। बहुत सारे उसके फंक्शन हैं जो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स हैं जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जिनके बिना नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं हो सकता।
वैसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके बिना नेटवर्क वर्क नहीं कर सकता। तो विदाउट नेटवर्क कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को वन प्लेस से सेकेंड प्लेस ट्रांसफ़र करना, ये पोर्टेबिलिटी कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोवाइड करता है वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो नेटवर्क का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डेटा को ट्रांसफ़र करना, वो भी प्राइवेट डेटा है, सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफ़र करना है, तो नेटवर्क का यूज कंपलसरी है। तो बिना नेटवर्क के कोई भी चीज़ प्रोसेस होना बहुत मुश्किल है। तो नेटवर्क इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर्स एंड अदर डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन मीडिया एंड कंट्रोलिंग बाय सॉफ्टवेयर। ह्यूमन रिसोर्स, इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। इट इज़ एसोसिएट विद द मैन पावर रिक्वायर्ड टू रन एंड मैनेज द सिस्टम। पीपल्स आर द इंड यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंड यूजर यूज इंफॉर्मेशन प्रोसीड फॉर देयर ऑन पर्पज एंड द मेन पर्पज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ टू बेनिफिट द इंड यूजर। द इंड यूजर कैन बी अकाउंटेंट, इंजीनियर, सेल्स पर्सन, कस्टमर, क्लर्क, मैनेजर, सो ऑन। पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप एंड ऑपरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बिना पीपल्स के, बिना मैन पावर के तो कोई भी सिस्टम वर्क कर ही नहीं सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी वर्क नहीं कर सकता। तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती है और वो रहेगी। तो इसलिए कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको सही से मेंटेन करने के लिए, उनको मेंटेनेंस देने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए मैन पावर का यूज होना ही होना है। तो मैन पावर इज़ अ कंपलसरी फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये मेन कंपोनेंट्स हैं, इनके बिना कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। तो दे इंक्लूड सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, प्रोग्रामर्स एंड अदर IS मैनेजरियल टेक्निक्स, जो अदर पर्सनस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप के पर्सन हैं, वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं, उनको तो ज़रूरत है, वो तो बिना उसके सिस्टम वर्क करेगा ही नहीं। अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं तो ये हम लोग देख लेते हैं, और हर टाइप्स के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हर टाइप्स अपने में एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होंगे। तो पहला जो टाइप्स हैं, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, TPS। TPS क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए TPS वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। बेसिकली जो ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन रखता है, जो नीचे लेवल की इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करता है, वो है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक, वो स्टाफ जो ऑपरेशनल प्रोवाइड करता है, जो ऑपरेशन करता है, जैसे ऑपरेशंस मैनेजर, सेल्फ डायरेक्टर, टर्म, या जो नीचे का क्लास है, जो वो एम्प्लॉई जो नीचे वर्किंग करता है, जो मेन वर्किंग एम्प्लॉई होता है, वो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग नीचे के लेवल पे वर्क करते हैं, फिर जब लेवल थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करते हैं, वहाँ पे मैनेजर इंक्लूड्स हो जाते हैं। मतलब जो भी ऑपरेशनल लेवल है उसके ऊपर मैनेजर्स नियुक्त किए जाते हैं, वो कंट्रोल करते हैं उस ऑपरेशनल लेवल को। तो ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन पास करता है मैनेजर को, जो मैनेजर को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, वो भी इंफॉर्मेशन पास करता है किसको, अपने हायर अथॉरिटी को, जो कि डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, जिसके जो डिसीजन मेकिंग होते हैं। तो वो हायर अथॉरिटी व हायर कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिसीजन लेते हैं, तो उनके लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। तो ये इंफॉर्मेशन के मेन तीन पार्ट्स हैं, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो नीचे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशनल लेवल वर्क करता है, फिर मैनेजर लेवल वर्क करता है, जिसको मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट भी कहते हैं हम लोग, फिर अपर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कि डिसीजन ले सकता है, डिसीजन मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे वर्क करता है। तो ये उसके मेन टाइप्स हैं, जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के मेन टाइप्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते क्या हैं, इनको हम अलग अलग वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग AVS ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।
धन्यवाद।